Hey guys, welcome to my new blog. तो आज का मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ मेट्रो ट्रेन का, जो पूरे कतर का है. और मैं बता दूँ कि आगे चल के मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को क्या चार्जेज है और क्या प्रोसेस है कार्ड का और ट्रैवल का, और मेट्रो ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है. और वो पूरे दोहा कतर में भी है और अलवकरा से लेके लुसैल तक जाती है. पूरे कतर में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ जगह जो है जहाँ पे नहीं है चालू है, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा. तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और मैं आज का दिखाता हूँ मेट्रो ट्रेन का. बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखते रहें कि वे स्टार ब्लॉग. तो अभी मैं मुशेरिब में हूँ और मैं बता रहा हूँ यहाँ का रूट. यहाँ से आप लुसैल जा सकते हैं, अलवकरा जा सकते हैं, अलजीजिया जा सकते हैं, मॉल ऑफ कतर जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं जहाँ आपको मन करे. चलिए आपको रूट बता देता हूँ. और हर रूट में ना यहाँ पे पूरा मेट्रो जो है तीन लाइन में है, रेड है, येलो है और ग्रीन है. और इस तीनों लाइन से जा सकते हैं. और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मतलब ज़्यादा लोग जिसमें जाते सफ़र करते हैं, वो रेड का जो रूट होता है, रेड लाइन का जो रूट होता है, उधर सबसे ज़्यादा क्राउड होता है. जो अलवकरा से लेके सीधे एक ही बार लुसैल जाती है, और जो अलवकरा के बीच में ही हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाती है, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाती है. तो आप अगर एयरपोर्ट पे भी जाना हो तो आराम से मेट्रो से जा सकते हैं. और यहाँ पे हम कार्ड डालते हैं, और यहाँ पे अभी बैलेंस है हम लोग का 1 QR, और हम टॉप अप करेंगे 10 का, 20 का, 30 का, 50 का और 100 का, 200 का टॉप अप कर सकते हैं. अगर 10 का क्लिक करें तो करेंगे, और यहाँ से फिर पैसे डालेंगे और रिचार्ज हो जाएगा. तो ऑलरेडी मेरे पास कार्ड है तो मैं रिचार्ज है. और यहाँ पे ना आपको डे पास भी मिलता है, अगर आपको फुल डे पास, कहीं पे भी उतर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं ना, तो फुल डे पास मिलता है. यहाँ पे एडल्ट के लिए 6 रियाल और चाइल्ड के लिए 6 रियाल भी दोनों का लगता है. और अगर एक आदमी के लिए इसमें ना वीकली पास भी होता है. एक एडल्ट के लिए ना 40 रियाल देके 1 वीक कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं. और आगे बढ़ते हैं. और ये हमद का मेट्रो स्टेशन है, जो काफ़ी प्यारा बनाया है, जो देख, और बहुत क्लीन रहती है इधर का जितने भी हो, और आसानी से आप जा सकते हो, उतनी क्राउड भी नहीं रहती है. और मेरे पास ये फुल डे पास है, मैं यहाँ पे स्वाइप करूँगा और ये ओपन हो जाएगा, और मैं आसानी से जा सकता हूँ. और यहाँ पे हर जगह बाथरूम होता है और प्रेयर रूम रहता है. इधर ओमेन का रहता है इस साइड, और इस साइड जेंट्स का रहता है. तो जेंट्स का मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा देता हूँ. यहाँ पे इतना क्लीन रहता है, प्रेयर रूम भी है इसमें, इसमें प्रेयर रूम रहती है, वज़ू के लिए भी है और बाथरूम भी रहता है. इधर ना प्रेयर रूम है, अंदर दिखा देता हूँ आपको. यहाँ से जाते इधर वजू कर सकते हैं, और इधर मस्त लोग नमाज पढ़ के कुरान भी पढ़ सकते हैं. तो ये काफ़ी मेट्रो वाले ने अच्छा बनाया है. तो ये जो है ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट रहता है. आप देख सकते हैं टॉयलेट कितना खूबसूरत रहता है. इधर लिफ्ट रहती है, आप लिफ्ट में भी आराम से जा सकते हैं. और यहाँ पे एस्केलेटर भी रहता है, हर जगह आप जा सकते हैं आराम से. अभी जहाँ पे हूँ मैं, हमद हॉस्पिटल, और मेरा रूम इसके पास में ही है. और ये पूरा टाइमिंग बताता है कब आएगी, कितने बजे ट्रेन आएगी और कहाँ तक जाएगी, हर साइड में रहता है. तो ये अभी मुझे मुशेरिब जाना है, वो 1 मिनट के अंदर उधर से ट्रेन आ जाएगी. और यहाँ पे हर डायरेक्शन भी पूरा दिखाता रहता है पूरा. तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहे, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो आप इजीली आ सकते हैं. यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है, एक गोल्ड होता है जिसका अलग चार्ज होता है, और एक फैमिली का होता है जो सेम टेबल होता है, और एक स्टैंडर्ड होता है. तो ये ट्रेन में मैं एंट्री करता हूँ. अभी मैं मुशेरिब आ गया हूँ. ये देख सकते हैं मेट्रो में सबसे ज़्यादा क्राउड होती है, ये काफ़ी बड़ी भी है. और ये मेट्रो लिंक का हब है, जहाँ पे तीनों लाइन मिलती है. और अलविदा में भी 2 सेक्शन है, एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है. तो मॉल ऑफ कतर और या लुसैल जाना होगा तो आप इस रूट से जा सकते हैं. जैसे यहाँ से आपको अलमंसूरा एयरपोर्ट अलवकरा जा सकते हैं इस, और यहाँ से हम लोग एग्जिट ले लेते हैं.
देख सकते हैं, ये ऊपर से मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, जो पूरा ऊपर से ऐसे मुशरिफ दिखता है। ये ऐसा हर जगह लाइन है, फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट डाउन है, फिर और उससे नीचे भी है। बहुत बड़ा बनाया है ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ से आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से वे आउट एग्जिट ले रहा हूँ, और सुबह से मैं बाहर का आपको दिखा देता हूँ नज़ारा क्या रहता है। यहाँ से आओ और ये अपने चलने लगती है। ये देख सकते हैं ये मुशरिफ है, और इसके आगे और जाएंगे ना तो यही मुशरिफ डाउनटाउन है, जो काफ़ी प्यारा बनाया है। और यहाँ से डाउनटाउन पूरा शुरू होता है। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकले ना, तो हर मेट्रो के बाहर एक ऐसी मेट्रो बस रहती है जो बिल्कुल फ्री रहती है, और इसके लिए एक कारवा ऐप डाउनलोड करते हैं। वो ऐप के बाद एक स्कैनर आता है, और वो स्कैनर के बाद फिर वहाँ पे स्कैन करते हैं, उसके बाद से वो एंट्री करके जाके बैठ सकते हैं, और उसके बाद से जहाँ पे आपका लोकेशन हो आप इजीली जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कारवा बस के बारे में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो हाउ आई मेड माई फ्रेंड्स में वीडियो में बताया था कारवा बस कैसे ले सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।